ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ कानपुर में हुए विकास दुबे को अभी तक पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम साबित होती दिख रही है, तो इसी के साथ साथ प्रयागराज में एक और हादसा देखने को मिल गया। आपको बताते चले कि कानपुर से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रयागराज में एक ही परिवार के चार लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि इस दौरान मामले की जानकारी व पुष्टि करने पहुंचे वहां पर अधिकारीगण और पूरे इलाके में कोहराम व हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान कई लोग नारेबाजी भी करने लगे, जिनमें से एक को गिरफ्तार भी किया गया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने नारेबाजी कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया है। अशोक कुमार पांडे जो यहां मृतक के भाई हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है कि रात्रि में कुछ अज्ञात बदमाश आए जो घर पर चढ़कर उसके बाद उन्होंने लूटपाट की है, चापड़ से हत्या कर दी है और जिसमें चार लोगों की हत्या हुई है, मकान गृह स्वामी की, उनकी पत्नी अभी अस्पताल में जिनका ऑपरेशन किया जा रहा है, और जो बच्चे उनकी डेथ हुई है जो मौके पर मरे पाए गए, वो सामान लूटने की और दुष्कर्म के बारे में भी उन्होंने संदेह प्रकट किया है। इसके बारे में आज फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, यहाँ के समस्त अधिकारी आ गए हैं और विवेचना प्रारंभ कर दी गई है, जल्दी ही इसका अनावरण किया जाएगा। क्या कोई प्रथम दृष्टया क्या कोई रंजिश का मामला लगता है, लूट का मामला आप लोगों ने काफी देर यहाँ पर जांच की, इसमें काफी पूछताछ की गई तो अभी तक कोई रंजिश किसी प्रकार की सामने नहीं आई है। मृतक एक डॉक्टर का कार्य यहाँ पर करते थे और आसपास के गांव में उनकी रिश्तेदारी भी है, लेकिन उसको लेकर कहीं भी किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं है, केवल वो उनकी काफी अच्छी ख्याति है, लगता है लूट के इरादे से ही ये इनका कत्ल किया गया है। तो सर गंगापार में ऐसी कई घटनाएं हुई है जहां एक परिवार के कई लोगों को मारा गया, अगर बीते साल भर की बात करें दो तीन घटनाएं हो चुकी हैं, क्या कोई बावरिया या कोई घुमंतू गिरोह है या इस तरह की कोई चीज यहां समझ में आती है? इससे पूर्व जनवरी में सोराव के यूसुफपुर गाँव में एक घटना हुई थी जो लगभग इसी तरह का मॉडस ऑपरेंडी है, उसमें नामजदगी हुई थी लेकिन नामजदगी के बाद वो नामजदगी सही नहीं पाई गई, लेकिन उसमें अभी तक जिन गैंग्स पर कार्य किया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसमें अभी भी हमारी जो सर्विलांस की टीम है वो कार्य कर रही है, वो जल्दी ही इस केस को भी सॉल्व करेंगे। आपको बता दें कि अब देखना ये है कि पुलिस कब तक अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पाती है, पर फिलहाल उत्तर प्रदेश समेत प्रयागराज के लिए ABN News 24 की ब्यूरो रिपोर्ट।